सॉरी गेमिंग वाले इंट्रो शूट कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा मेरे को कैद हो गई है थोड़ी बहुत ही, तो इसे मैंने ये बोल दिया। तो मैं ब्लॉग अपना जो मैं ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ, तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे आप सब? आशा करते तो बढ़िया कर होंगे, सिर्फ अपने अपने घरों में होंगे। गाइस, अभी हमारा इंट्रो हो चुका है, ये वाला मेन इंट्रो होता है, और अभी बज रहे हैं पाँच, पूरे पाँच बज रहे हैं ऑलमोस्ट, लगा लो एक ही मिनट तो ऊपर है यार। मैं 3 बजे जाता हूँ स्कूल से, 3:05-10 तक आके यूजुअली, और फिर आके मैं नहाता हूँ, आके मैं मतलब कपड़े बदलता हूँ और डिनर करता हूँ। ये गाइस, मैं मुंह से जानबूझ के नहीं बोलता हूँ यार, मेरे मुंह से क्यों निकलता है, मेरे खुद अपने आप पे बिलीव नहीं होता। और मैं आके फिर लंच करता हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर फ़ोन चलाया था, और अभी मैं सोने लगा थोड़ी देर, आधा पौना घंटा, और फिर उसके होमवर्क करूँगा। अब खेल तो मैं जाता नहीं क्योंकि ठंड भी है और सबके पेपर है, तो कोई खेलने भी नहीं आता। और फिलहाल अगर मेरी मम्मी ट्यूशन पढ़ा तो उन्हें फ़ोन चाहिए होगा, और मेरी दीदी तो है नहीं, वो चले गया दिल्ली, और पता नहीं अब वो कब आएंगे। तो मम्मी को फिलहाल फ़ोन दे देता हूँ और थोड़ी देर सुनूंगा, और उसके बाद करूँगा होमवर्क। एंड गाइस, मैं आपके बारे में बताता हूँ, मैं ब्लॉग बनाने आया हूँ छत पे इतनी ठंड में, और वो भी नंगे पैर ही। बट आज गई इतनी ठंड नहीं थी, सुबह थी, बट इस टाइम पर नहीं थी, धूप निकल गई थी अच्छी खासी, आज इतनी ठंड नहीं है जितनी कल थी। So guys, भी लाले भी ये थी, और अभी शाम के पता नहीं कितने बजे, और मैंने पार्थ भैया का चैनल हड़प लिया है, और आज से मैं हूँ, और चैनल का नाम चेंज होके हो जाएगा बेनी द ब्लॉगर। ये गाइस, मेरी शक्ल कैसी लग रही है कमेंट में आप जरूर बता देना। और पार्थ भैया अब नहीं है, पार्थ भैया का चैनल अब मैंने उनका छीन लिया है, और रे अब मैं ब्लॉग नया करूँगा गाइस। और अभी मैं जा रहा हूँ डस्टबिन में कुछ खाने। सॉरी गाइस, मैं मतलब ऐसे ही मैं दिमाग में मैं कहता हूँ बैनी की वॉइस ओवर हम करते हैं, तो ऐसा कोई मजाक नहीं है कि इसने कोई चैनल ले, ये कैसे लेगा यार, इसको आती ही नहीं ब्लॉगिंग शॉगिंग, इसको तो बस आता है खाना पीना और सोना, और कुछ नहीं आता है इसका काम, तो इसलिए। एंड अभी वाइज किचन में आया था ना, तो मैंने इसका इंस्टेंट रिएक्शन लिया, किचन में आकर ना किचन के मोड़ पर खड़ा था एकदम, ये डस्टबिन में मुँह मारने आ रहा, तो मेरे को देखना था कि यह क्या करेगा। तो मैं वैसे लोग शेर आ गई जिसने एक मिनट के लिए भी लाया जब तक मैंने नहीं इसको हिलाया। और वेलकम बैक टू द ब्लॉग, मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, मैं कब का कर चुका हूँ, और अभी शाम के गए 7:50 हो रहे हैं, और अभी देखो मैं यहाँ पे इसको लेके घूम रहा हूँ, और अभी ये नहीं मार रहा, इसको डस्टबिन में मुँह मारना, बताओ इसको डस्टबिन में हमें मुँह मारने से रोकना है, तो हम इसको खींचेंगे और इसको करेंगे बाहर आ जाओ। एंड जैसे भी मेरे मम्मा लोग गए हैं, हम लोग गए नहीं हैं, हम लोग यहीं हैं घर में ही हैं, मैं मुझे गए गए निकलते रहते गए, और अभी वो बनाएंगे खाना, और मैं अभी नहीं बनाएंगे, अभी तो 7:50 हो गए हैं, आधा पौने घंटे तक बनाएंगे फिर मैं खाऊंगा, और अभी ऐसे कुछ करते हैं, टीवी देखते हैं और क्या, और तो बस यही जिंदगानी है। परसों से गाइस मेरे पेपर भी शुरू है, परसों से नहीं, आज के 3 तारीख 6 तारीख से मेरे पेपर भी शुरू है, एग्जाम्स PA 2 है मेरे। और अभी गाइस अभी पता क्या हुआ था, मैं वीडियो यार देखी नहीं, वीडियो नहीं बना पाया उस टाइम, बैनी ने योगासन करा था, बैनी योगासन करता है वैसे, पता क्या हुआ, मैं जब इसके ना गाइस आप इसके ना गुदी उदी करोगे ना, तो योगासन करता है पूरा ना 10-15 सेकंड तक, एकदम मस्त सा एकदम पोस्चर बनाता है, इतना फनी होता है, और साथ में योगा भी हो जाती है इसकी, तो काफ़ी फनी लगता है मुझे ये बात। और फिलहाल अगर अभी आपसे मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में, और मेरे बाल देख लो कितने वाह वाह वाह, और यहाँ पर बोल रहा है दूध, हमें पावरी हो रही है, हमारी पावरी हो रही है गाइस, पावरी। तो अभी का सीन ये है गाइस, अभी रात के 1 सेकंड गाइस, मैं थोड़ा ना कैमरा क्लियर कर लूँ, कभी गाइस कभी क्या है ना कि अभी मैं घर में ही हूँ, अंदर ही हूँ, बट फिर भी ना कभी कभी कैमरा थोड़ा फॉगी हो जाता है, क्योंकि बाहर ठंड का मौसम हो गया, तो कैमरे में ना ये देखो जैसे मेरी लाइट है इसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही होगी आपको यहाँ पे, तो अभी भी पूरा क्लियर नहीं है, रुको मैं करता हूँ, हाँ अब थोड़ा क्लियर आ रहा है। तो फिलहाल गाइस अभी का ये सीन है, अभी रात के बज रहे हैं 10:39, और फिलहाल अभी मेरे मम्मा तो गए हैं सो, क्योंकि वो थोड़े मतलब उन्हें जल्दी सोने के आता है, और सुबह जल्दी भी 6 बजे उठ जाते हैं, तो वो जल्दी सो जाते हैं रात को 10:30 बजे तक, मैं भी सोता हूँ 11:30 बजे और उठता हूँ 7 बजे, और कल मैं आराम से उठूँगा 7:30-8 बजे तक, क्योंकि कल मैं 9 बजे स्कूल जाना है, और भाई यूजुअली मैं 8 बजे चलता था, 5 दिन से तो यही चल रहा है, क्योंकि मेरे को 1 घंटा क्रिकेट खेलना था, बट मेरी अभी भी मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में कि कल क्रिकेट की क्लासेस नहीं है, तो थोड़ा आराम से उठूँगा, थोड़ी नींद भी पूरी कर लूँगा, सुबह जल्दी जल्दी में नींद भी नहीं पूरी होती, बट मैं नहा लोगे खेलने चल जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मज़ा नहीं आता,
मजा भी आता है खेलने में। और फिलहाल गाइस अभी ना मैं एक बात सोच रहा था कि मतलब जैसे आप जानते हो सभी कि मेरे पास एक ये वाला कंप्यूटर है, मतलब ये आप कह सकते हो कि ये कोई गेमिंग पीसी तो है नहीं ये, पर उसके मतलब एडिटिंग के काम, मतलब एडिटिंग भी नहीं, इसमें मैं अकाउंट बना सकता हूँ। अगर मुझे अपना गेमिंग वाला अकाउंट बनाना है तो ये साइन इन नहीं हुआ पड़ा, तो मैं इसमें साइन इन करके वो चेक करूँगा कि इसमें बन सकता कि नहीं मेरा अकाउंट। वैसे Windows 7 का है कंप्यूटर, बहुत पुराना, बट आई विल ट्राई जो होता है कि नहीं वो, बाकी इसके ऊपर है, कंप्यूटर के ऊपर है। एंड गाइस मैं कोई बात कहनी थी, तो काफ़ी लोग ना मेरे वीडियो को डिसलाइक करते हैं। मैं नहीं कहता डिसलाइक करना, करो आपकी मर्जी है, पर ज़्यादा ना फालतू कमेंट्स मत किया करो जो लोग करते हैं। और हेटर्स तो हेटर्स, गाइस एक बात कहूँ, हेटर्स का काम तो हेटर करना तो वो हेट ही करेंगे, और लवर्स का काम है लव करना, जो कि मुझे करते ही हैं, प्यार करते हैं, मेरी वीडियो पे लाइक करते हैं, तो मैं काफ़ी खुशी होती है मेरे को। ज़्यादा मेरे लवर्स हैं, कम हेटर्स हैं, उन्हें हमें इग्नोर करना है। और फिलहाल गाइस अभी मैं करूँगा एडिटिंग, और ज़्यादा वैसे वैसे टाइम नहीं लगता है, बट 15-20 मिनट लग ही जाते, क्योंकि पूरा कट भी करना होता है, जो कि नहीं मैं डालता हूँ, वो ब्लूपर्स होते हैं, बट मैं डालता हूँ वैसे ब्लूपर्स नहीं, सॉरी। और कभी कभी तो गाइस वीडियो में ब्लूपर्स जाते हैं, कितना काटू मैं सोचने लग जाता हूँ। जैसे आज मैं गाइस अभी हो रहे हैं दोपहर के 3, और मैं अभी स्कूल से आया, मैं कर रहा डिनर और मैं नहा दिया भाई, मतलब कभी मैं एडिटिंग कर रहा होता ना, मुझे खुद अपनी बातों पे हंसी आ जाती है। और गाइस मेरी दीदी गई है मेरी नानी के घर फरीदाबाद, परी के घर जहाँ मैं गया था, अब वो गई है, अब वो आ जाएगी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगी वो, उसे कुछ काम था वहाँ पे, क्योंकि ना गाइस मेरी दीदी की काम था वहाँ पे, तो वो करके आ जाएगी। और फिलहाल अभी मैं तो सोऊंगा गाइस, मैं सोऊंगा गाइस 11:30 बजे, तो चलो फिलहाल अभी तो हम एडिटिंग कर लेते हैं। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, एंड दिस इज द नेक्स्ट डे। और अभी सुबह के 8:15 बज रहे हैं, और यूजुअली मैं इस टाइम पे स्कूल पे क्रिकेट खेल रहा होता था, बट आज मैं गया नहीं, आज मेरी छुट्टी फिर से, तो आज मैंने सोचा था आराम से नींद पूरी करेंगे। और मैं उठा हूँ 8:03 पर, और अभी 10 मिनट उठा, मैं ब्रश करके बस से आ गई हूँ, अभी मेरा मम्मी नहा रहे हैं, उसके बाद जाऊँगा मैं नहाने के लिए, फिर उसके बाद डिनर कर, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके फिर मैं रेडी होके जाऊंगा स्कूल। और बैंक सो ही रहा है, आपको बैंक में मिला देता हूँ, वैसे वो सो रहा है, अंधेरा है यहाँ पे, क्योंकि वो सो रहा है ना, ये देखो ये सोया पड़ा है यहाँ पे बहनी महाराज जी। और वैसे अभी मैं एडिटिंग तो नहीं करूँगा, अभी 8:16 हो रहे हैं, मुझे जाना होता है पूरे 9 बजे, मैं 8:55 पे जाता हूँ, तो मैं नहा धो के रेडी हो जाऊँगा, तब तक 8:45 जाएंगे, 15 मिनट होंगे मेरे पास, उसमें मैं एडिटिंग करके ब्लॉग पे लगा दूंगा। एंड गाइस फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।